हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिले, इसीलिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम दोस्तों पारित किया गया है। हर एक बच्चे का सर्वोत्कृष्ट समग्र विकास सुनिश्चित किया जा सके, हर एक बच्चे के भीतर छिपे बाल मनोविज्ञान को जाना जा सके और हर एक बच्चे को एक पर्सनल स्पेस मिल सके, क्योंकि देश के भविष्य का निर्माण कक्षाओं में होता है। ऐसी बात दोस्तों कही गई है कोठारी कमीशन के माध्यम से कि देश का जो भविष्य निर्मित होता है वो हमारे विद्यालय, परिषदीय विद्यालय की कक्षाओं में होता है, तो वहाँ पे बच्चों की संख्या भी मायने रखती है। क्योंकि बच्चों की संख्या अगर अधिक होगी, शिक्षक अगर कम होंगे, तो गुणवत्ता परक शिक्षा देना दोस्तों संभव नहीं होगा। जब हम पीटीआर की बात करते हैं, पीपल टीचर रेशियो की बात करते हैं, तो कोई भी परिषदीय प्राथमिक विद्यालय हो, वहाँ पे एक शिक्षक का जो आदर्श मानक रखा गया है दोस्तों 30 विद्यार्थी, यानी ये जो मानक रखा गया है वो इसको दृष्टिकोण में रखते हुए रखा गया है कि एक शिक्षक 30 बच्चों के साथ, 30 विद्यार्थियों के साथ न्याय कर सकता है, न्याय संगत तरीके से गुणवत्ता परक शिक्षा। एक शिक्षक अगर वो परिषदीय प्राथमिक विद्यालय है तो वहाँ पे वो शिक्षक पूरे जुडिशस तरीके से, पूरे न्याय संगत तरीके से बिल्कुल बच्चों को न्यायपूर्वक अपने नॉलेज को डिलीवर कर सकता है और बच्चों का ख्याल भी रख सकता है। इसी प्रकार से अगर विद्यालय उच्च प्राथमिक है, यानी जूनियर हाई स्कूल है या मिडिल स्कूल है, कक्षा 6 से 8 है, तो वहाँ पे 35 बच्चों के ऊपर एक शिक्षक रखने की व्यवस्था है। अब ये तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत ये व्यवस्था दी गई है। इसी के तहत प्रत्येक विद्यालय में जो पद है वो अनुमन्य किए गए हैं, यानी सृजित किए गए हैं। एक विद्यालय जो है वहाँ पे हेड टीचर का पद कितना है, शिक्षक का पद कितना है, और ये पहले से ही अनुमन्य है। प्रत्येक विद्यालय में ये अनुमन्य है, सृजित पद हैं, उसी के सापेक्ष वहाँ पे विद्यालय में शिक्षक कार्य कर रहे हैं। अब सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज श्री प्रताप सिंह बघेल के माध्यम से ये सूचना तलब की गई है कि आखिर किसी भी जनपद में वहाँ पे शिक्षकों के अनुमन्य पद क्या हैं, जो शिक्षकों के अनुमन्य पद हैं उसके सापेक्ष कितने शिक्षक कार्य कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अनुमन्य जो पद है उसके सापेक्ष ज़्यादा शिक्षक कार्य कर रहे हैं, ऐसा तो दोस्तों नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब अनुमन्य पद रहे होंगे, जिस समय रहे होंगे, उसके सापेक्ष विद्यार्थियों की संख्या परिषदीय विद्यालयों में दोस्तों बढ़ी है, चाहे कोविड-19 वैश्विक महामारी की वजह से हो या सरकार के विशेष अभियान की ओर हो, परिषदीय विद्यालयों में बच्चों की संख्या दोस्तों अनवरत रूप से बढ़ती रही है। लेकिन देखना ये है कि जो अनुमन्य या सृजित पद है उसके सापेक्ष अगर कम संख्या में शिक्षक कार्य कर रहे हैं तो शिक्षक भर्ती की दरकार है। बहुत से युवा जो प्रशिक्षण प्राप्त भावी शिक्षक हैं वो बड़ी बेताबी के साथ, बड़ी बेसब्री के साथ उस समय के लिए दोस्तों बाट जो रहे हैं कि कब शिक्षक पद पे भर्ती आए और कब वो शिक्षक पद पे काबिज हो सके। सरकार भी दोस्तों इसी पहल में कोशिश कर रही है कि गुणवत्ता परक शिक्षा दिया जा सके। इसके लिए बात बहुत ही ज़रूरी है कि अनुमन्य सृजित पद के सापेक्ष वास्तविक रूप में शिक्षक कितने कार्य कर रहे हैं,
और कितने शिक्षकों को हमें भर्ती करने हैं, वास्तविक रूप में कितने हेड टीचर हैं, कितने असिस्टेंट टीचर वर्क कर रहे हैं, चाहे पदोन्नति की बात हो, चाहे उनका ज़िले के भीतर समायोजन हो, या उनका एक ज़िले से दूसरे ज़िले के एक ज़िले से दूसरे ज़िले के बाहर अंतर जनपदीय स्थानांतरण हो, शिक्षकों के जो पद अनुमन्य पद हैं और उसके सापेक्ष जो शिक्षक कार्य कर रहे हैं, हर जगह ये आंकड़ा दोस्तों बहुत ही ज़रूरी होता है। तो देखते हैं कि श्री प्रताप सिंह बघेल, जो कि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज हैं, उनके द्वारा दोस्तों पत्र निर्गत हुआ है और ससमय सूचना मांगी गई है। पत्र के आलोक में दोस्तों हम बातें करेंगे, तो आप बिल्कुल वीडियो पे बने रहें। दोस्तों आप पत्र देख सकते हैं, और ये पत्र ही नहीं है, ये द्वितीय अनुस्मारक पत्र है, यानी सेकंड रिमाइंडर है। और यहाँ जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अति महत्वपूर्ण समयबद्ध व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है, ऐसी बात लिखी गई है। इसके प्रेषक हैं सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, और आप इस पत्र को प्रेषित कर रहे हैं सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद आगरा अंबेडकर नगर अमेठी अमरोहा बागपत बहराइच बरेली भदोही बुलंदशहर इटावा फिरोजाबाद गौतम बुद्ध नगर गोरखपुर जौनपुर कानपुर देहात लखीमपुर खीरी कुशीनगर लखनऊ महाराजगंज मथुरा मुजफ्फरनगर पीलीभीत प्रतापगढ़ रामपुर सिद्धार्थनगर सीतापुर तथा उन्नाव। इतने जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा वांछित सूचनाएं दोस्तों अपेक्षित हैं, और विषय क्या है, अनुमन्य पद एवं वर्तमान में कार्यरत अध्यापकों की सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। यहाँ बात हो रही है, पत्र का हवाला दिया जा रहा है कि जो पहले से प्रेषित पत्र हैं उनका संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो परिषदीय विद्यालयों में दिनांक 30 अप्रैल 2022। दोस्तों ये द पॉइंट इज टू बी नोटेड हियर, यहाँ पे ये बिंदु इम्पॉर्टेंट हो रहा है कि जो छात्र संख्या है वो 30 अप्रैल 2022 की छात्र संख्या के अनुसार निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निहित प्राविधानानुसार शिक्षक छात्र अनुपात के आधार पर अनुमन्य पद एवं वर्तमान में कार्यरत अध्यापकों की संख्या निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 8 जून 2022 तक अनिवार्य रूप से परिषद की ईमेल पर उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था। दोस्तों जो संख्या कही जा रही है छात्र संख्या, वो 30 अप्रैल 2022 की है, और यहाँ बात हो रही है कि 8 जून तक इसे मांगा गया था, किंतु अद्यतन जनपद अलीगढ़ औरैया अयोध्या आजमगढ़ बलिया बलरामपुर बांदा बाराबंकी बस्ती बिजनौर बदायूं चंदौली चित्रकूट देवरिया एटा फर्रुखाबाद फतेहपुर गाज़ियाबाद गाजीपुर गोंडा हमीरपुर हापुड़ हरदोई हाथरस जालौन झांसी कन्नौज कानपुर नगर कासगंज कौशाम्बी ललितपुर महोबा मैनपुरी मऊ मेरठ मिर्ज़ापुर मुरादाबाद प्रयागराज रायबरेली सहारनपुर संभल शाहजहाँपुर संत कबीर नगर शामली श्रावस्ती सोनभद्र सुल्तानपुर तथा वाराणसी द्वारा ही संदर्भगत सूचनाएं उपलब्ध कराई गई, शेष जनपदों की सूचनाएं अद्यतन अप्राप्त हैं। यह अत्यंत खेद का विषय है कि निरंतर दिए जा रहे निर्देशों तथा दूरभाष पर किए जा रहे प्रभावी अनुश्रवण के बाद भी आप द्वारा वांछित सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही, कदापि उचित नहीं। उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि संदर्भगत सूचनाएं इस कार्यालय के पत्र दिनांक 5 जून 2022 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 10 जून 2022 को अपराह्न 2 बजे तक प्रत्येक स्थिति में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। दोस्तों 10 जून 2022 तक सूचना मांगी गई थी, जो कि गुजर गई है क्योंकि आज है 12 जून, और ये जो सूचना है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी सूचना के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति पदोन्नति जिले के भीतर और जिले के बाहर स्थानांतरण की बात होती है। आज के लिए इतना ही वीडियो इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट अपडेट, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आपका लाइक बनता है, आप एक लाइक करें, चैनल पर कमेंट करें, अपने जैसे दोस्तों तक ज़रूर साझा करें। लेकिन दोस्तों चैनल पर नए पहली बार विज़िट कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग, दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग।